माणक जी, महात्मा गांधी जी ने कहा है कि वो कानून, वो संविधान जो तुम्हारे हकों की, अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, उसे फाड़कर फेंक दिया जाना चाहिए। राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपने उस निर्णय पर। कल भी और आज भी वो सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे आज बड़ा गर्व हो रहा है कि बलिदान दिवस के दिन, जिस दिन सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह ने अपने प्राणों को आहूत कर दिया भारत के प्रजातंत्र को स्थापित करने के लिए, राहुल गांधी जी एक दूसरी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो चाहते हैं कि प्रजातंत्र के वटवृक्ष पर ये जो गिद्ध मंडरा रहे हैं, लुटेरे गिद्ध, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो जतिन मेहता हो, चाहे वो निशल मोदी हो, चाहे वो अमी मोदी हो, ललित मोदी हो, संदेशरा बंधु हो, जो 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स हैं, जो इस सत्ता की सरपरस्ती में जानकारी होते हुए भी विदेश जिनको नियोजित रूप से भगा दिया गया, विजय माल्या को तो सीबीआई का लुकआउट नोटिस चस्पा करके विड्रॉ कर लिया गया और कहा कि हमने तो गलती से जारी कर दिया था। तो ये राहुल गांधी जी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, लड़ाई लड़ेंगे। इनका डिफेमेशन का मामला इसलिए नहीं था, इनको ये लगने लगा कि देश की जनता के सामने इनकी पोल खुलने लगी है। राहुल गांधी जी जिस दृढ़ता से इन आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे भ्रष्टाचारियों को बेनकाब कर रहे थे, मुखौटा उतार रहे थे, उससे पीड़ा और वेदना थी। राहुल जी ने तो साफ कहा कि मेरा इरादा किसी समुदाय जाति विशेष को आहत करने का तो था ही नहीं, लेकिन मैं भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहा था। और आपने खुद कहा कि जब अदालत ने फैसला दिया तब भी उन्होंने कहा कि मैं दया या माफी की याचना नहीं करता, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना, प्रतिबद्धता से लड़ना मेरा दायित्व है और मैं लड़ते रहूंगा। यह आहत इसलिए भी है कि जिस प्रकार 38-38 शेल कंपनियों के माध्यम से 11-12 लाख रुपए का घोटाला हुआ, अभय दुबे, मेरे दो सवाल हैं, जांच भी नहीं कराना, मेरे दो सवाल हैं। और पहला सवाल यही है, अभय दुबे, कोर्ट के फैसले को तो मानते हैं ना आप? तमाम आरोप लगा रहे हैं, सरकार डर गई राहुल गांधी से और उनकी आवाज दबाने के लिए, सब यही कह रहे हैं कि ये सजा करवा दी, पर सजा सरकार ने थोड़े कराई है, वो तो कोर्ट ने सजा सुनाई है। क्या आप कोर्ट का फैसला नहीं मानते? देखिए, हाँ बिल्कुल ठीक, नहीं नहीं नहीं, मैं मेरा निवेदन सुन लीजिए। अभी अभिषेक मनु सिंघवी जी को भी आपने सुना, जो याचिका करता थे, पहली बात तो डिफेमेशन का उनका अधिकार, ऊपर की अदालत में हम इस बात को सिद्ध करेंगे कि वो कैसे उन चीजों से आहत हो गए जिनसे उनका सरोकार ही नहीं था, जिन लोगों के नाम का उल्लेख था, अगर वो जाते डिफेमेशन के लिए तो बात बनती। लेकिन याचिकाकर्ता को क्या आवश्यकता पड़ी कि वो हाई कोर्ट से इस मामले का स्टे ले लेते हैं? और स्टे ले लेते हैं कब तक? स्टे लेते हैं जब तक जो सुन रहा है ट्रायल कोर्ट का जज उसका स्थानांतरण नहीं हो जाए, तब तक का स्टे होता है, उसके बाद स्टे को वेकेट करा लेते हैं। तो ये देश की जनता के मन में ये सवाल है कि क्यों प्रतीक्षा की गई नया न्यायाधीश के ट्रायल कोर्ट के ट्रांसफर की, क्यों स्टे लेने के लिए वो हाई कोर्ट में गए? ये इरादा तो इन लोगों का, इस बात का हम ऊपरी अदालत में भी इसकी विवेचना और व्याख्या करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ देश के लोग खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी। ओके, आपने मेरा दूसरा सवाल नहीं सुना। दूसरा सवाल ये था कि जिस राहत के लिए यूपीए सरकार एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी भ्रष्टाचार के मामले पर, कि 2 साल से ज्यादा सजा होने पर ऐसे सदस्यता जानी नहीं चाहिए, राहुल गांधी ने खुद वो ऑर्डिनेंस फाड़ दिया था, तो अब तो 2 साल के हिसाब से तो फिर राहुल गांधी के लोकसभा सदस्यता के ऊपर खुद तलवार लटक रही है। माणक जी, सब लोग एक बार बार भूल जाते हैं, वो पहली कांग्रेस पार्टी नहीं, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी भी किसी प्रकार का ऑर्डिनेंस 2002 में लेकर आई थी। लेकिन राहुल गांधी जी ने उस समय भी वो अपने निर्णय पर प्रतिबद्ध थे और आज भी हैं, कांग्रेस पार्टी भी है, कि किसी भी ऐसे अपराधी, और राहुल गांधी जी ने, ये तो देश के प्रति उनका समर्पण का भाव है, जिस प्रकार आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, उस समय की बरतानिया हुकूमत भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को इसी प्रकार कहती थी जैसे आज आप व्याख्या कर रहे हैं। ये तो आज जब इतिहास लिखा जाएगा कि आजादी की दूसरी लड़ाई के बड़े सेनानी के रूप में राहुल गांधी जी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं, त्याग और उस बलिदान को याद। एक सेकंड, अभय दुबे, कैसी बात कर रहे हैं? एक पूरे समुदाय को बदनाम करने का आरोप है राहुल गांधी पर, कोई आजादी की लड़ाई की थोड़े बात हो रही थी यहां पर? एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने सारे मोदियों को चोर कह दिया और इसीलिए केस हुआ है मानहानि का, इसको आजादी की लड़ाई से क्यों जोड़ रहे हैं आप? देखिए,
आज अगर संसद देश के संसाधनों को लूट कर नियोजित रूप से भगा दिया जाए, उन पर एक्शन नहीं लिया जाए, जानकारी होते हुए भी कार्रवाई नहीं की जाए, तो क्या आप उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी मौन साधे बैठे रहेंगे? क्या अरे तो चाहते हैं कि नीरव मोदी ललित मोदी के ऊपर निशाना साधते ना? मैं यही तो कह रहा हूँ, और कोर्ट में भी वो कहने लगे माफी नहीं मांगूंगा, इसीलिए आरोप ये लग रहा है कि राहुल गांधी चाहते थे उनको सजा हो जाए। अभय दुबे, देखिए माणक जी, आप जैसी व्याख्या करना चाहें कर लीजिए, राहुल जी निश्चल निष्कपट व्यक्ति हैं, उन्होंने तो साफ कहा कि मेरा इरादा किसी भी सूरत में अपमानित करने का नहीं था, मेरा इंटेंशन नहीं था ऐसा, नहीं तो वो क्यों कहते इस बात को वो अपनी न्यायालय तो माफी क्यों नहीं मांगी? फिर माफी मांग लेते रहते भैया, हमने वो दो तीन लोगों को कहा था, बाकियों को बुरा लगा तो माफी मांगते। नहीं देखिए, ये बात तो उन्होंने कही कि हमने उन लोगों के लिए कहा जो लोग लेकर के भाग गए, लेकिन माफी का प्रश्न और दया का प्रश्न उनके सम्मुख ठहरता ही नहीं माणक जी, जितना मैं जानता हूं। वो दृढ़ प्रतिज्ञ है अपनी बातों पर और देश की संसाधनों की हो रही लूट के खिलाफ मुखरता से बोलते रहेंगे, जिसको जो आरोप लगाना है वो लगाए, लेकिन ये देश की लड़ाई है और निर्णायक लड़ाई है।